जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने जिले में चल रहे विभिन्न अभियानों को सफल बनाने पर जोर दिया, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए कहा। सभी ने टीबी उन्मूलन का संकल्प लिया। बैठक में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा, पल्स पोलियो अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना व तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की चर्चा के केंद्र रहे। सबसे अहम मुद्दा टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान का रहा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान कोई भी संबंधित क्षय रोगी जांच व उपचार से वंचित न होने पाए। इस अवसर पर जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव, जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर, महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जय कुमार, सीएमओ डॉक्टर ए के चौधरी, डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने कहा, सीडीओ साहब के सभागार में, डीओ साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में पूरे स्वास्थ्य विभाग में जितने कार्यक्रम चल रहे हैं उसका जो है एनालिसिस और मॉनिटरिंग की गई, खास करके एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बच्चों का देखभाल के विषय में भी ये चर्चा हुई, इम्यूनाइजेशन के विषय में चर्चा हुई, आयुष्मान भारत विषय में चर्चा हुई, विशेष करके टीबी प्रोग्राम जो एसीएफ चल रहा है 23 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक उसके विषय में डिटेल में चर्चा हुई कि आप जो स्टेट पर जो इंडिकेटर 9 इंडिकेटर्स पर जो समीक्षा होती है उस विषय में गोरखपुर का क्या पोजिशन है, इंडिकेटर्स 9 इंडिकेटर्स में हमारे कितना आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना नोटिफिकेशन है, कितना एचआईवी का टेस्ट है, कितना आप इवन बजट के विषय में भी पूछा गया, एचआईवी उससे रिलेटेड एचआईवी की टेस्टिंग के विषय में पूछी गई उससे, और आईपीटी के विषय में भी चर्चा हुई कि आईपीटी जो है इसका आपका परसेंटेज थोड़ा हमें ठीक ठाक था लेकिन कुछ ये था स्टेट लेवल से। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन में हम अपने स्टेट पर नंबर 1 की पोजिशन में, हमारा जितना टारगेट था उसे हमने 108% टारगेट को पूरा किया, सिर्फ 100 ही नहीं 108% हमने नोटिफिकेशन।